बढ़ते कोरोना मामलों के दृष्टिगत और कोरोना से संक्रमित रोगियों के लिए ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर के निजी सहायक अनुपम लखनपाल ने बताया कि सांसद अनुराग ठाकुर के दिशा निर्देशों के तहत आज डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर घुमारवीं में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए उनके द्वारा गुजरात से सूरत से भेजी गई 3 सदस्यीय तकनीकी टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया और प्लांट स्थापित करने के लिए आवश्यक जायजा लिया। उन्होंने बताया कि नागरिक अस्पताल घुमारवीं के लिए 150 लीटर ऑक्सीजन उत्पादित करने वाला ऑक्सीजन संयंत्र मंजूर किया है, जिस पर लगभग 35 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस ऑक्सीजन संयंत्र के स्थापित हो जाने से डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में दाखिल कोरोना रोगियों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 25 से 30 बेड पर लगातार हाई फ्लो ऑक्सीजन उपलब्ध की जाएगी, जिसे स्थापित करने के लिए तकनीकी टीम द्वारा अस्पताल का अवलोकन किया गया तथा अस्पताल प्रशासन के साथ इस संबंध में आवश्यक चर्चा की। इस अवसर पर बीएमओ घुमारवीं डॉक्टर अभिनीत शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी सोनल शर्मा, अन्य डॉक्टर सहित अस्पताल का स्टाफ उपस्थित रहे। हमने लोकेशन रिव्यू ले लिया जस्ट प्लान डालने के लिए, एंड ये अनुराग जी के स्पेशल रिक्वेस्ट पर से आए यहाँ पर। अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 दिन के अंदर ये प्लान इंस्टॉल हो जाएगा और इसका लागत कहा जाए तो 35 के आसपास है। सर कितने सिलेंडर यहाँ पर लगाए जाएंगे सर, कितने बेडों के लिए होगा सर? सिलेंडर नहीं, बेड्स हैं, बेड कुछ 20 से 25 बेड के आसपास आ जाएंगे।